हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना ये चैप्टर। और आई थिंक एक ही टाइप के रॉक्स रह गए हैं हमारे मेटामॉर्फ, तो शायद आज खत्म हो जाएगा ये भी, है ना। अच्छा, ये भी रह गया है। चलो पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स आर दोज ड्राइव बाय। पढ़ तो लिया था यार, टिक नहीं लगाया मैं। पढ़ लिया हमने। मेटामॉर्फिक से पढ़ते हैं, थोड़ा इग्नोर करना, बाहर का साउंड है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सर ये क्या वर्ड होता है मेटामॉर्फिज्म, देखते हैं। और ऑल्टरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। हाँ ये थोड़ा समझ में आया, यानी कि इस वर्ड को छोड़ दें और आगे पढ़ें तो क्या। मेटाफॉर्मिंग रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, द ऑल्टरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ऑल्टर होते हैं, ऑल्टर में चेंज होते हैं। सर भी क्लियर नहीं हुआ, तो मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। मेटामॉर्फिज्म मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ओके, जब फॉर्म चेंज होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, है ना। विच में भी फिजिकल, सर ये फॉर्म फिजिकली भी चेंज हो सकते हैं, केमिकली भी चेंज हो सकते हैं, हो सकता है दोनों तरह का चेंज हो जाए। यानी कि जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स केमिकली या फिजिकली या दोनों तरीके से अपना फॉर्म चेंज करते हैं, तो उससे फिर जो नए रॉक्स बनते हैं उन रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सच ए मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर प्रेशर बोथ। अब ये चेंज आता क्यों है, तो चेंज सर कब कब आ सकता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी बहुत पड़ रही हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, दोनों ही ज़्यादा हो, ठीक है, एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो भी हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो ओरिजिनल मिनरल्स गेट ऑल्टर्ड, ओरिजिनल यानी जो एग्जिस्टिंग जो बेस मिनरल्स होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं और नए मिनरल्स में फॉर्म हो जाते हैं। दीज कम्बाइन, ये कम्बाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म रॉक्स विच आर हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट देन ओरिजिनल रॉक्स। और जी जब ये मिनरल्स कम्बाइन होते हैं तो रॉक्स बनाते हैं, और ये ओरिजिनल रॉक्स से ज़्यादा हार्ड होते हैं और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंट वाले होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव देयर मिनरल्स अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ बैंड्स, अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ बैंड्स। दिस इज कॉल्ड फॉलिएशन। एक नया वर्ड आपको मालूम पड़ा, डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक के जो मिनरल्स हैव देयर मिनरल्स अरेंज इन सीरीज ऑफ बैंड, वो एक ग्रुप में अरेंज होते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मैनर को, सर इस मैनर को बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉलिएशन, है ना। सम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्रिस्टलाइन लाइक द इग्नियस रॉक्स। कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्रिस्टलाइन भी होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक्स होते हैं सर, एग्जांपल लाइमस्टोन, स्लेट, सैंडस्टोन, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। पढ़ते हैं जरा, लाइमस्टोन गेट्स ऑल्टर टू फॉर्म अ रॉक कॉल्ड मार्बल। लाइमस्टोन जब ऑल्टर होता है तब वो जो बनाता है सो वो बनाता है मार्बल। मार्बल का यूज किस लिए हम करते हैं, बाय फॉर मेकिंग स्टैचूज, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम एक में हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सो में याद रखते हैं जिस चीज़, है ना, कि किस चीज़ का किस लिए यूज किया जाता है। स्लेट क्या है, स्लेट सर सेल से बनता है, स्लेट किस बनता है, सेल से बनता है, और स्लेट की टेंडेंसी होती है कि वो थिन थिन शीट्स में ब्रेक हो जाए। स्लेट इज ऑल्सो यूज फॉर रूफिंग और बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग की छत बनाने के लिए काम में आता है। सैंड स्टोन गेट्स मेटामॉर्फोज्ड टू फॉर्म अ रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। फिर दूसरा ग्रेफाइट इज अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ कोल, कोल से ग्रेफाइट बन जाता है। ग्रेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू जेनेसिस, बिकम्स मेटाफेसल्ड, बिकम्स मेटामॉर्फोज्ड टू सिस्ट, है ना, सिस्ट बोलेंगे इसको, क्रिस्ट नहीं सिस्ट, है ना। मैंने सभी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्लेट जो कि सेल से बनते हैं, जो कि सेल से
बनता है। तो अगर सेल एक्सपोज टू हीट, जब सेल को हीट मिलती है उसके ऊपर थोड़ा एयर प्रेशर आता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर आता है, तब जाकर वो हार्ड प्लेट में यानी स्लेट में चेंज हो जाती है। सिस्ट ये भी सेल से बनता है। जब इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट में और बहुत ज़्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर में आता है, दैट्स वाज एविडेंस ऑफ शेयरिंग, तब उससे सिस्ट बनता है। क्वार्ट्जाइट सैंड स्टोन डेट इज मेल्टेड बाय सिलिका, सैंड स्टोन जो कि मिलती है किसी सिलिका से सीमेंट से, वो वेरी हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वार्ट्ज बनाते हैं। मार्बल लाइम स्टोन एक्सपोज टू हीट एंड एयर प्रेशर रिजल्ट्स इन लार्जर एंड मोर यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स, यानी ऐसे होता है। देन इज इज रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट इंट्रोज इग्नियस रॉक्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है, इनसे होता है। पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स लाइक मार्बल, स्लेट्स, फिलिट्स, क्वार्ट्जाइट, मीका, ग्रेनोलाइट, फ्लिंट और डार्क ग्रेनाइट लाइमस्टोन्स कॉल्ड हॉर्नफेल्स। हॉर्नफेल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, एंड इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, हॉर्नफेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, विच इज इंपॉर्टेंट सर किस लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। और ये सारे कॉमन मेटाफॉर्मिक रॉक्स हैं। मेटाफॉर्मिज्म में थर्मल, डायनामिक, अरिजन फॉसिल्स आर नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन दीज रॉक्स, इन रॉक्स के बीच में आपको फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स जो हमने पढ़े थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली ऑर्गेनिक जो रिमेन्स थे, वो फॉसिल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनके अंदर। अभी बोला ये थर्मल भी हो सकते, डायनामिक भी हो सकते, रीजनल भी हो सकते हैं, मीनिंग क्या है इन तीनों के समझाए गए हैं आगे, है ना। थर्मल मेटाफॉर्मिज्म, थर्मल का मतलब पता होगा, पता नहीं मेरे को ध्यान है, मैंने किसी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाया होगा, है ना, कि थर्मल यहाँ पर पढ़ाया जाए, वहाँ पर समझ लो टेम्परेचर की बात आ गई। तो मेटाफॉर्मिज्म हम लोग को पढ़ाते हैं, दो तरह से होता है, एक तो टेम्परेचर और एक एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, मेटाफॉर्मिज्म वाली जो प्रोसेस हो रही है वो टेम्परेचर की वजह से हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल मेटाफॉर्मिज्म, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मैग्मा, सर ये हो सकता है कि आप बहुत हॉट मैग्मा के पास आ जाओ, हीट जनरेटेड फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग लेयर्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स हट रहे हैं तो गर्मी आ रही है, तो मतलब आप जब हीट के पास आते हो तभी होता है बेसिकली, ठीक है। डायनामिक मेटाफॉर्मिज्म इज कॉज्ड बाय हाई प्रेशर, है ना, ड्यूरिंग अर्थ मूवमेंट, जब अर्थ मूव करे तब जब प्रेशर होता है अर्थ का, उससे ये एयर प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। ड्यूरिंग अर्थ मूवमेंट्स रॉक में गेट पुश्ड टू ग्रेट डेप्थ, सर वो जब अर्थ मूव करिए यानी अर्थक्वेक आ गया हो तो रॉक्स बहुत ज़्यादा गहराई में चले हैं, वेयर बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हाई हैं, ओके। द ओल्ड मिनरल्स गेट ऑल्टर्ड, जो पुराने मिनरल्स होंगे वो यहाँ पर ऑल्टर्ड हो जाएंगे इन चेंजेस की वजह से, और नए मिनरल्स वहीं पर फॉर्म होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नफेल्स आर फाइन ग्रेन्ड नॉन फॉयलेटेड मेटाफॉर्म, ओके, हमने एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टूड कर ली। सभी को हॉर्नफिल्स नहीं बोलते हैं, केवल डार्क ग्रेन्ड लाइमस्टोन को ही क्या बोलते हैं, हॉर्नफिल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नफिल्स आर फाइन ग्रेन्ड नॉन फॉलिएटेड मेटाफॉर्मिक रॉक दैट इज हार्ड एंड डेंस, तो उन्होंने एग्जाम्पल ये बताया कि हॉर्नफिल एक बहुत अच्छा मेटाफॉर्मिक रॉक है जो कि बहुत हार्ड होता है और डेंस होता है। पेरेंट रॉक इज यूजुअली सेल ऑल्दो लावा, पेरेंट रॉक यानी जिससे बना होता है, पेरेंट होना जिससे बना होता है, तो पेरेंट रॉक जो होता है वो यूजुअली सेल होता है। बेसिक लावा सिस्ट एंड अदर रॉक्स कैन बी बेक्ड इनटू हॉर्नफेल्स, इनसे भी बन सकता है। दे आर वेरी डार्क कलर्ड, ये काफी डार्क कलर के होते हैं एंड रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट मेटाफॉर्मिज्म, और मेटाफॉर्मिज्म की वैसे ही ऐसे होते हैं।
थर्ड टाइप रीजनल मेटाफॉर्मिज्म, पहला था ड्यू टू टेम्परेचर, दूसरा था ड्यू टू प्रेशर, और थर्ड पढ़ते हैं किसकी वजह से है। इट इज कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स सच एज माउंटेन बिल्डिंग, पहाड़ बन रहे हैं अर्थक्वेक की वजह से, अफेक्ट रॉक्स ओवर लार्ज एरिया बर्निंग इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स डीप इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से बहुत बड़े एरिया में इग्नियस रॉक्स जो हैं वो दफन हो जाते हैं, है ना, और सेडिमेंटरी रॉक्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर दफन हो जाते हैं। इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं रीजनल मेटाफॉर्मिज्म, दिस इज नोन एज रीजनल मेटाफॉर्मिज्म। यहाँ पे रीजनल वर्ड क्यों आए, क्योंकि ये जो काम हो रहा है बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े सरफेस में हो रहा है, बहुत बड़े एरिया में हो रहा है, इसको रीजन नाम दे देंगे, ठीक है। व्हेन मेटाफॉर्मिज्म अफेक्ट्स ओनली स्मॉल एरिया, जब अगर ये मेटाफॉर्मिज्म किसी छोटे एरिया को अफेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड लोकल और कॉन्टैक्ट मेटाफॉर्मिज्म, तो इसको लोकल और कॉन्टैक्ट बोलेंगे। अगर लार्ज एरिया को करा तो इसको रीजनल मेटाफॉर्मिज्म बोलेंगे, यानी एक दो तीन तरीके की नहीं, आपके पास चार तरीके की मेटाफॉर्मिज्म आ गए, ठीक है, थर्मल, डायनामिक, रीजनल और लोकल, है ना। When hot magma intrudes between layers of rocks, the adjoining rocks are affected by contact with hot magma. वो कह रहे हैं जब हॉट मैगमा बीच में से आता है, किन के बीच में आता है, रॉक्स के लेयर्स के बीच में, कौन से रॉक्स के लेयर्स के बीच में जो ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो उनको अफेक्ट कर, तो ये अफेक्ट हो जाते हैं हॉट मैगमा से। ओनली नैरो बैंड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक, जो बहुत नैरो नैरो ग्रुप होते हैं बीच के लिए, वही मेटाफॉर्मिक रॉक में चेंज हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। जिसमें सब कह लो सेल होता है, सेल सेलेट में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है ना, खुद थोड़े रिजेस वगैरह भी आ जाते हैं, मेविद वैलीज वैलीज बन जाती हैं, और मार्बल इज बेक्ड लाइमस्टोन, मार्बल लाइमस्टोन से मार्बल बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है रॉक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं डेफिनेशन की बात करूँ केवल, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। चार्ट भी दिया हुआ, बहुत बढ़िया दिया हुआ, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं चार्ट को भी समझ। नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, नॉलेज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, आपको नॉलेज है बहुत तरीके के रॉक्स की, एंड देयर मोड ऑफ अक्रेंस, और वो कैसे होते हैं इसके बारे में। एज ऑल्सो द चेंजेस एंड प्रोसेस दे अंडरगो आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू जियोग्राफर्स एज ऑल्सो टू द जियोलॉजिस्ट इन द स्टडी ऑफ रॉक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी रॉक साइकिल बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको रॉक साइकिल का ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, अगर आपको रॉक साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, तो आपके लिए ये सारी नॉलेज होना जरूरी है जो इस पैराग्राफ में देंगे। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये जियोग्राफर्स के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट, इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने रॉक साइकिल का मीनिंग बताया, ये होता है कि रॉक साइकिल को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको अलग अलग तरीके के, आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको उनके मोड ऑफ अक्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रोसेस के अंदर, क्या प्रोसेस उनके अंदर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप रॉक साइकिल आप समझ सकते हो, ठीक है। द रॉक साइकिल इज नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल केवल एक रिलेशनशिप नहीं है, रॉक साइकिल आप समझो सर, रॉक साइकिल मतलब क्या, साइकिल आपने बर्थ साइकिल दे, आपने बर्थ साइकिल भी पढ़ी है, ठीक है, बुद्धा वाले चैप्टर में, तो आप साइकिल में समझो सर घूम घूम के कोई चीज़ आ जाए, तो आप सोचो कि यहाँ पे सर इग्नियस से सेडिमेंट्री ना, सेडिमेंट्री से आपका मेटाफॉर्मिक ना, फिर मेटाफॉर्मिक के द्वारा से इग्नियस बन गया, तो वो कह रहा केवल ये रिलेशनशिप ही, क्यों इन तीन तरह से रिलेशनशिप जो होते हैं, क्यों इसी को हम रॉक साइकिल नहीं कहते, यानी ये कहते हैं, लेकिन ये ओनली मीनिंग नहीं है, ये भी कहते हैं, तो मैंने ये बताया, ये भी कहते हैं बट ये ही नहीं कहते, ये ही नहीं कहते, इसके अलावा भी और मीनिंग होता है इसका सब, वो क्या, बट ऑल्सो हाउ, कैसे, कब,
और कहाँ ये चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं ये कब कैसे कहाँ हो रहे हैं, है ना ये पता होना चाहिए। वेर द चेंजेस दैट दे अंडरगो टेक प्लेस, है ना, अंडरगो टेक प्लेस टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ दिस चेंजेस आर इंटरलेटेड, और ये चेंजेस आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों की रिलेशनशिप को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। तो रॉक साइकिल डेफिनेशन बोलिए तो आपको ये पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं जरा रॉक साइकिल के मीनिंग, मतलब रॉक साइकिल कैसे होता है एंड रॉक साइकिल बेसिकली इन चीज़ों की रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप आप यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे, है ना। तीन पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ रिलेशनशिप को समझाएंगे। मैग्मा लोकेटेड बीनीथ द अर्थ, अब देखो तीन पैराग्राफ कैसे डिवाइड किए गए हैं, बहुत गंदा तरीका होता है ना बुक लिखने का, यहाँ पे ए बी सी लिखना चाहिए। ये तीनों कैसे लिखे गए हैं, तीन तरह के लेयर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं पर मेरे को पता है। यहाँ पर सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में बताया जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली बताया जाएगा आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, ठीक है। पढ़ते हैं, मैग्मा लोकेटेड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा लोकेटेड है इज इजेक्टेड, वो बाहर आ जाता है। एंड इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म, अब वो इग्नियस रॉक्स से बन जाते हैं, ठीक है। एज द मोल्टन मैटर इन गाइगेंटिक मासेस कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब वो बहुत ज़्यादा मोल्टन जो लावा होता है, वो लावा होता है बहुत सारा गाइगेंटिक मासेस ना बहुत ज़्यादा लेवल पर ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब वो क्या होता है, इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस बताइए कि मैग्मा से बनता है, मैग्मा से बनता है, क्या कहीं यहाँ पे मैग्मा वगैरह दिखाया गया, तो दिखाया गया कि मैग्मा थी, मैग्मा को ठंडा किया गया और इग्नियस रॉक्स बनाया गया, ठीक है। सॉलिडिफाइड इग्नियस रॉक, जो इग्नियस रॉक्स थे ठंडे, आर द एंसेस्टर, जो पूर्वज हैं ऑफ ऑल द अदर रॉक्स, यानी वो सारे रॉक से पूर्वज हैं, यानी सबसे पहले तो वही रॉक्स आए थे, उनके बाद में आए हैं, वही सभी के बाद आए हैं। अदर रॉक्स एंड मेक अप 85% ऑफ मोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग बीन फॉर्मड एट ऑल एजेस एंड स्टेजेस इन द अर्थ हिस्ट्री। ये कि बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर ये नहीं बताएगा, इसके अंदर थोड़ी इग्नियस रॉक्स ही इंपॉर्टेंस बता दी गई, होता है कि इग्नियस रॉक्स है ना, यही वो रॉक्स हैं जिनसे बाकी के रॉक्स बने हैं। और हम पुरानी अगर हिस्ट्री की बात करें, पुरानी हिस्ट्री में जितने तरह के रॉक्स रह चुके हैं वो इग्नियस रॉक्स ही रह चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पर सेडिमेंट्री और दोनों की बात की गई है। सबसिक्वेंटली सेडिमेंट्री रॉक्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, सब वो कैसे है, सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन द बेड ऑफ द ओशन इन लार्ज क्वान्टिटीज, ठीक है, एंड गेट सॉलिडिफाइड ड्यू टू लिथिफिकेशन, जो प्रोसेस होती है उसको बनाने की। तो दिखाया कि कुछ इनकी वजह से जो इनका जो मिनरल्स निकले, इनके जो वेस्ट निकले, इनके जो रिमेन्स निकले, उसमें कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने इनको क्या किया, लिथिफिकेशन में हेल्प की, तो उस वजह से सेडिमेंट्स बने, ठीक है। यानी आपका ये बनता हुआ दिखा दिया। फिर अर्थ मूवमेंट्स हुए, वॉल्केन इरप्शंस हुए, अर्थक्वेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इनकी वजह से क्या बने, सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या हुआ, अर्थक्वेक वगैरह आए, हीट एंड प्रेशर जनरेट हुआ, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बने, ठीक है बस। और अब वो ये कह रहे हैं, अभी वो ये और कह रहे हैं, यहाँ पे वो लाइन लिखी नहीं है, यहाँ पे वो ये और समझाएंगे बाद में, अभी हम चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर आप इनको तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप उसको और हीट कर दो, बहुत ज़्यादा हीट कर दो, तो ये अगेन हीट होकर क्या बन जाएंगे, लावा बन जाएंगे, ये पत्थर हीट होकर क्या बन जाएंगे, ये रॉक्स जो हीट होकर क्या बनेंगे, दोबारा से मैग्मा बन जाएंगे, और से दोबारा मैग्मा बन गए, फिर इस तरह के रॉक बन जाएंगे, फिर ये प्रोसेस होगी, फिर ये सेडिमेंटरी रॉक बन जाएंगे, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे, फिर इसको हीट करो तो ये, तो ये साइकिल बनेगी, चलती रहेगी, है ना। अभी कुछ यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ओल्डर रॉक्स टू फाइन मटेरियल्स लाइक सैंड एंड सिल्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज मटेरियल्स बाय एजेंट्स एंड डेनुडेशन, डेनुडेशन सक्सेसिवली रिवर्स द सी द इवन विंड्स एंड देयर इवेंचुअल डिपॉजिट इन द सी फॉर्म द फर्स्ट एंड बेसिक प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल दैट टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस। वो कह रहे हैं इस इरोजन होता है, जो वेदरिंग होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, फिर उनका जो है ना, तो ये जो सारी चीज़ करके जो मटेरियल जो हम इकट्ठा करते हैं, फिर जब उनको डिपॉजिट करते हैं, तो इससे पहली प्रोसेस रॉक साइकिल के पहला स्टेप बेसिकली रेडी होता है,
ठीक है, द सीज एंड ओशंस स्पेशली द लॉन्ग नैरो एंड डीप ट्रेंचेस एंड लार्ज हॉलो बेसिन देम फॉर्म डिपॉजिटरी फॉर सेडिमेंट। ये बेसिकली ओशन बॉडीज जो होते हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं, ये बेसिकली घर बनती हैं उन चीज़ों के डिपॉजिट होने का, डेट इवेंचुअली इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट इन देम। द मटेरियल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हैज बीन डिपॉजिटेड। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पत्थरों को इकट्ठा होने में, तब जाकर ही क्या बन पाते हैं, तब जाकर ही क्या बन पाते हैं, अभी नहीं लिखा हुआ, तब जाकर सेडिमेंट लोग बन पाते हैं। ड्यू टू लिथिफिकेशन, ड्यू टू लिथिफिकेशन सेडिमेंटरी रॉक मटेरियल इन द ट्रेंचेस एंड हॉलोज प्रेशराइज, इन ट्रेंचेस में जो हॉलोज जो फंसे होते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, वो हीट होते हैं, मतलब क्या नहीं होता, होते हैं ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रेशराइज हीट किया जाता है उनको, ट्रांसफर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और मेटाफॉर्मिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। द हीट ऑफ द सन एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीग्रेट टुगेदर प्रोवाइड पावर एंड एनर्जी फॉर द रॉक साइकिल विच मेल्ट्स एग्जिस्टिंग मटेरियल टू मटेरियल टू कम्बाइन इट एंड इन टर्न क्रिएट इग्नियस रॉक्स। ये लो फिर वो सब मेल्ट हो जाते हैं, तो लिखा नहीं यहाँ पे, वर्ड खा गए, मेल्ट करके फिर क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा, फिर लावा बन जाएगा, फिर इन इन एक्सचेंज वो द्वारा क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा, तो साइकिल चलती रहेगी। द साइकिल ऑफ रॉक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ओवर द सेंचुरीज। आपको सर हमेशा दिखता नहीं है, तो ये प्रोसेस में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो आप अकेले रह के ये चीज़ नहीं नोटिस कर सकते, ठीक है। चेंजिंग ओल्ड रॉक्स इंटू न्यू वंस एट वेरिंग स्पीड, बहुत चेंजिंग द ओल्ड रॉक्स इंटू न्यू वंस एट वेरिंग स्पीड, मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, वेरिंग मतलब डिफर करती है। दिस स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप और स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द रॉक। ऐसे नहीं कि जो स्पीड है उनके टाइप या उनके स्ट्रक्चर उनके कॉम्पोनेंट के बीच पर डिपेंड करती, नहीं, बट कैटाक्लिस्मिक चेंजेस डेट में अकर, एक कैटाक्लिस्मिक चेंज होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वॉल्केनिक इरप्शन या फिर कैटाक्लिस्मिक अर्थक्वेक विद इट्स ओवरफ्लो ऑफ मैग्मा विद इन सेकेंड्स कैन डिस्ट्रॉय रॉक स्ट्रक्चर फाइल। ऑन द अदर हैंड इवन अ सिंगल लेयर ऑफ सेडिमेंटरी रॉक में टेक सेंचुरीज टू बिल्ड एंड वेयर अवे। वो कह रहा है अब स्पीड की बात चले ना, स्पीड की, तो वो कह रहा है अगर वॉल्केनो इरप्शन हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैग्मा बाहर आ जाए, तो इससे बहुत सारे रॉक स्ट्रक्चर विद इन सेकेंड डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और नए बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसे नॉर्मल प्रोसेस चल रही है रॉक साइकिल वैसे चलते रहे, तो सेडिमेंट्री रॉक को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं बनने में और टूटने में, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो सेकंड्स में कम हो जाएगा, अगर ऐसा ना हो तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है, लग सकते क्या लगते ही हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स, सर इकोनॉमिकली इन रॉक्स से हमें फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, इस रॉक के बेसिकली इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, रॉक्स के बेसिकली बेनिफिट पूछ रहा है। रॉक्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू अस। अच्छा, रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट ब्रेक अप ग्रेजुअली इनटू स्मॉल पार्टिकल व्हिच गेट ट्रांसफर्ड बाय केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू फॉर्म सॉइल। ओके, पहले इंपॉर्टेंस आप बता रहे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट जब ब्रेक जब टूटती है, अर्थ क्रस्ट ब्रेकअप ग्रेजुअली, अर्थ क्रस्ट जो रॉक्स होंगे, अर्थ क्रस्ट जो रॉक होते हैं बेसिकली वो धीरे धीरे टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना, वो केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, जिससे वो क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं, और सॉइल बेसिकली एसेंशियल होती है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्योंकि सॉइल उनको क्या करती है, प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड कर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। रॉक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, दूसरे मैनेजमेंट ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स ऑफ एंशिएंट जियोलॉजिकल पीरियड्स आर रिच इन मेटालिक मिनरल्स, उनके अंदर आयरन, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, प्लैटिनम एंड अदर अकर एज केमिकल कमर्शियल मेटल्स बहुत सारे मिलते हैं। रॉक्स विच कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। सर ऐसे पहाड़, ऐसे पत्थर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिनरल्स होते हैं उनको ओर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खान, क्या बोलते हैं खान, कोयले की खान, अगर आपने वर्ड सुना तो कोयले की खान क्या होता है, तो कोई जगह नहीं होती, वो घर नहीं होता, वो एक पत्थर होता है बहुत बड़ा रॉक होता है, बहुत बड़ा रॉक, उसके अंदर हम डिग कर करके उसे केव की तरह बना लेते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक घर है ना, वो रॉक ही होता है बहुत बड़ा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसकी हम डिगिंग करने लगते हैं निकालने के लिए, तो वो घर जैसा लगने लगता है कि घर जैसा बन गया, वो घर नहीं होता है, ठीक है ना, कि फैक्ट्री होती है।
उसको बोलते हैं ओस, है ना। सेडिमेंटरी रॉक्स कंटेन वैल्यूएबल डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ठीक है, ये आप इसको इसी में मिनरल्स के अंदर ही कह सकते हो, ठीक है। ये सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं वो बहुत सारे डिपॉजिट्स अपने अंदर रखते हैं वैल्यूएबल, जैसे कोल हुआ, ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुए, और ये सारे जो क्या हैं, दीज आर सोर्सेस ऑफ मैकेनिकल पावर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, और ये सारे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी नेसेसरी हैं। थर्ड बेनिफिट, इसको थर्ड लिख दूँ मैं, अब थर्ड नहीं, इसको टू ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की वजह से हमारी इंडस्ट्रियाँ चल पाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल पाती हैं, ठीक है। रॉक्स प्रोवाइड अस बिल्डिंग स्टोन्स, ओके, ये हम बिल्डिंग स्टोन्स देते हैं लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही बात होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट इन काम में आते हैं। ये जो कलरफुल है ना, क्या आप केवल ये लोगे ना इसमें बेनिफिट्स में, तो ये इतने ही काफ़ी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है ये ब्लू वाला, रॉक्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, अदर मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, आप समझते हो कहीं क्या हिंदी है इसकी, देखिए समझाना क्या कहते हैं। रॉक्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ मिनरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ओके है कि कुछ रॉक्स ना ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आयरन स्टील बनाती हैं, तो आयरन के छोटे छोटे पत्थर होंगे, आयरन के छोटे छोटे पीस होंगे, वो एक रॉ मटेरियल काम करेंगे, तब वो छोटे छोटे रॉ मटेरियल के छोटे छोटे स्टील के टुकड़ों को मिला मिलाकर बड़ा स्टील बनाएंगे, छोटे छोटे आयरन को मिला मिलाकर बड़ा आयरन बनाएंगे, तो उनके लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो वन पहला तो ये हो गया प्लांट की ग्रोथ, दूसरा मिनरल्स वाला जो कि इंडस्ट्रियल के लिए ग्रोथ नेसेसरी होता है, थर्ड बिल्डिंग स्टोन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। चार बेनिफिट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इतने लिख के आओगे बेनिफिट में तो अभी काफ़ी है, ठीक है। बेनिफिट पूछें, इंपॉर्टेंस पूछें, सिग्निफिकेंस पूछें, इतना लिख के आओगे तो अभी काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा लिख सको तो अच्छी बात है, थोड़ा एक्सप्लेन कर करके, पर इतना भी सफिशेंट है ना। होमवर्क लिखते हैं आपका, सब कुछ होमवर्क है अब तो, रिमेनिंग क्षेत्र आपके समय क्या, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। वाटर मेटाफॉर्मिज्म कुछ प्रोसेस लिखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफॉर्मिक रॉक्स, ठीक है, लिख देना नेम ऑफ मेटाफॉर्मिक रॉक, इसी बुक का नाम लिखो, हाउ आर मेटाफॉर्मिक रॉक्स फॉर्म, प्रोसेस कैसे बनते हैं। नेम थ्री टाइप्स, तीनों टाइप्स लिखनी है आपको, इसी द प्रॉपर्टीज नेचर लिखना है, बेसिकली मेटाफॉर्मिक अच्छा क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफॉर्मिक रॉक एंड स्टेट वन यूज वन यूज मेटाफिट, यानी एक एग्जाम्पल तो मेटाफॉर्मिक रॉक का, फिर उसका एक बेनिफिट बता दो, उसका क्या बेनिफिट है। तो मार्बल ले लो, मार्बल से क्या बन सकता है रूफ, वो मार्बल नहीं स्लेट ले लो, स्लेट से क्या बन सकता है, रूफ बन सकती है, तो लिख सकते हो आप वाई आर मेटाफॉर्मिक रॉक्स सो कॉल्ड, अच्छा इनको मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्यों कहा जाता है, मेटाफॉर्मिक मेटामॉर्फिक रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक क्यों कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन दिमाग लगाना, सिस्टर किस तरह के रॉक्स के अंदर आता है, जेनेसिस किस तरह के रॉक्स के अंदर आता है, इजीली कर पाओगे, तो सारी आप लिख सकते हो। ब्रीफली एक्सप्लेन रॉक साइकिल, आप अच्छे से कर सकते हो, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, सारे अब कर लोगे आप। रॉक्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, टीचर ने कटवा दिया है तो अच्छी बात है, पर फिर भी आप उसको करना, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों कटवाया, पर अच्छा क्वेश्चन है, उसको करना, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर की मेरे को पिक्चर सेंड कर देना, पिक्चर से पीडीएफ प्रेफरेबल रहेगा कि पीडीएफ ही आप करो, ठीक है।